हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक फ्री पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी बाथरूम में टाइल्स लगाते समय आप क्या गलती करते हो। दोस्तों बाथरूम में टाइल्स लगाने का मतलब कि जो रहता है उसमें आप कौन कौन सी चीजें को ध्यान में रखना है और क्या गलती नहीं करना है इसमें, तो हम आपको आज इसी वीडियो में मतलब सारी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपको बाथरूम में जहां टाइल्स लगी हुई है वहां भी बताएंगे कि आप यहां पे किन बातों का खास ध्यान रखना है। दोस्तों गांव में अक्सर वो गलती करते हैं दोस्तों, टाइल्स वगैरह अच्छी लगा लेते हैं बट उसमें थोड़ी सी मतलब कि खामी के लिए मतलब वो ऐसी गलती कर लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों हम आपको अब सीधे ले चलते हैं बाथरूम की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब कि आप बाथरूम की जो टाइल्स है वो मतलब प्रॉपर लगी हुई है और जो इसका लुक है दोस्तों वो भी बहुत ही बेहतरीन लुक है मतलब कि। और इसमें जो हम बात करने वाले थे कि अगर मान लो बाथरूम में टाइल्स लगाने में सबसे बड़ी जो गलती है दोस्तों जाइंट की है, कि बहुत सारी बाथरूम में जाइंट मतलब कि ज्यादातर दिखते, इस बाथरूम में मतलब वो जाइंट वाली मिस्टेक नहीं है। अगर हम इसकी टाइल्स की बात करें दोस्तों तो ये मतलब कि 12x18 की है, मतलब समझ लिए आपके 1 फीट मतलब 1.5 फीट 1x1.5 की ये टाइल्स है दोस्तों। इंच में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12x18 इसको बोलते हैं दोस्तों। इस बाथरूम का मतलब कि अगर साइज की हम बात करते हैं तो साइज में मतलब कि आप देख सकते हो ये 5x4 की है दोस्तों। यहाँ पे एक मिरर भी लगा हुआ है दोस्तों। और सबसे जो मेन टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपको मैं जो समझाने वाला था कि इसमें गलती क्या नहीं करना है, ये आप देख सकते हो एक सेट है ये जो बाथरूम में साबुन से लगा के आपकी सारी चीजें रखने के लिए होता है दोस्तों। इस सेट में क्या होता है कि मतलब ये ज्यादा महंगा नहीं आता है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है ऑफलाइन भी मिल जाता है, ये कम से कम 200 से 250 रुपए के बीच में मतलब ये 3 सेट मिलते हैं। यहां तक जब लोग क्या करते हैं कि बाथरूम में टाइल्स वगैरह अच्छी लगाते हैं उसमें फिर साबुन रखने के लिए क्या करते हैं वो कि मतलब उसमें फर्सी लगा लेते हैं, टाइल्स का टुकड़ा लगा लेते हैं, या फिर मतलब की बहुत सारे ऐसे विकल्प रहते हैं वो बस वहीं से जुगाड़ कर लेते। दोस्तों उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको मतलब ये बहुत महंगा नहीं आता है ये जो सेट है। ये एक सेट में इनमें 3 जो आता है और तीनों मतलब कि आपको बहुत बेस्ट रहेगा, मतलब कि अभी 200 से 250 रुपए मतलब खर्च रहेगा इस बाथरूम में। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब नल वगैरह भी सब अच्छे प्रॉपर लगे हुए हैं और मतलब कि इसकी टाइल्स भी अच्छी प्रॉपर लगी हुई है। इन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं किया है कि मतलब कि कहीं से मतलब कि टाइल्स का टुकड़ा लगा दिया, फर्सी का टुकड़ा लगा दिया, फिर ग्रेनाइट का टुकड़ा लगा दिया। मतलब कि बाथरूम में जब टाइल्स लगाते हो आप या लगवाते हो तो मतलब कि आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे भी इसमें एक सेट मतलब छोटा लगा हुआ है, तो ये मतलब कि एक सेट में 3 मतलब की ट्रे आती है, तीनों ट्रे आपको ऊपर नीचे छोटी बड़ी मतलब की आती है। और ये आप देख सकते हो कि इन ट्रे में मतलब कि आप बड़ी छोटी और उससे छोटी मतलब 3 सेट में ये आती है। अब 3 सेट में आने के बाद में मतलब कि आपका जो भी सामान है, अगर आपका सामान अगर इससे ज्यादा है तो अदरवाइज एक आधी खुली भी मिलती है वहां पे, सेट के अदर भी मिलती है जो हमने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है। ये यहाँ पे एक भी है, ये अकेली है बट ये थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, ये 100 रुपए के समथिंग पड़ेगी अगर एक लेने जाओगे। अगर सेट लेने जाओगे तो मतलब कि आपको मतलब ये 250 रुपए में मतलब 3 मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इन चीजों का यूज करना है दोस्तों, क्योंकि इनमें मतलब कि क्या है कि आपकी जो बाथरूम का जो लुक है दोस्तों वो काफी अच्छा रहता है। अगर आपने इसमें फर्सी का टुकड़ा, ग्रेनाइट का टुकड़ा या फिर कुछ अदर चीज लगा ली है तो फिर आपकी बाथरूम मतलब अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको एक लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।